नमस्कार दोस्तों, आपके पास अगर करोड़ों रुपए हो तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम में से अधिकतर लोग उस पैसे का अपने जिंदगी को ऐसा आराम युक्त बनाने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज मैं जिस पॉलिटिशियन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त पंजाब के समय में एक मंत्री हुए हैं, हरकिशन गाबा। गवर्नर की जो काउंसिल होती थी उसमें उनको मंत्री नियुक्त किया गया था और सर फजले हुसैन ने उनको मंत्री बनाने की सलाह गवर्नर को दी थी। इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन कहानी यहीं पर शुरू नहीं होती, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1864 में डेरा गाजी के लालाह कस्बे में एक बच्चे का जन्म हुआ था। ये जो बच्चा था इस बहुत ही साधारण परिवार से था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था। उसने उस समय कैम्ब्रिज से ऑनर्स में बीए किया था। इसके बाद वो बिजनेस की दुनिया में आ गए और बिजनेस की दुनिया में आने के बाद उन्होंने पैसे का ढेर लगा दिया। पंजाब नेशनल बैंक के पहले मानद सचिव बने, भारत इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की और द ट्रूबन के ट्रस्टी भी हो रहे हैं। 1901 से 1906 के भीतर उन्होंने संयुक्त पंजाब में कई सारी मिलें खड़ी कर दी। एक के बाद एक वो व्यापार में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे और इसी तरह उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे थे। पंजाब में अगर बिजली लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो उन्हीं को जाता है। उन्होंने पंजाब इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना कर पंजाब में बिजली लाने का काम किया। जो जो वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उनके दुश्मनों की श्रृंखला भी लंबी होती जा रही थी। और इसी दौरान वो हुआ जो एक बिजनेसमैन के जीवन में कई बार हो जाता है। 1913 में एक अफवाह फैली, हरकिशन गाबा जो बैंक है वो पीपुल्स बैंक, वो दिवालिया होने जा रहा है। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि उस बैंक में जिन जिन लोगों ने भी पैसे डाल रखे थे सबने निकाल दिए। हरकिशन गाबा सच में दिवालिया हो गए, वो एकदम अर्श से फर्श पर आ गिरे। इस तरह सब कुछ खोकर हरकिशन गाबा फिर से डेरा इस्माइल में वकालत का पेशा अपना लिया और वहाँ पर वकालत करने लगे। लेकिन जिंदगी इतने पर रुकने वाली नहीं थी, उनको और उतार चढ़ाव भी देखने थे। इस दौरान कांग्रेस से वो जुड़ गए और देश के आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। 1919 में अंग्रेज सरकार ने उनको पकड़ा और उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में भेज दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद और कुछ होना बाकी भी था। वो रिहा हुए और रिहा होने के बाद 1920 में जो काउंसिल बनी उसमें वो उद्योगपतियों के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर की काउंसिल में मंत्री बन गए। 1925 तक हरकिशन गाबा ने फिर से सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नए बैंक की स्थापना की और कई सारे मिलें फिर से खड़ी कर दी। उनका सिक्का फिर से चलने लगा। 1930 के दशक में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई और हरकिशन गाबा की जिंदगी फिर से उतार पर आने लगी। उनका व्यापार तो चौपट हो ही गया, इस दौरान उनकी दुश्मनी वहां के चीफ जस्टिस से भी हो गई, जिनका नाम था डगलस यंग। और वो हरकिशन गाबा को बर्बाद करने पर आमदा थे। वो हर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हरकिशन गाबा का अस्तित्व मैं मिटा दूँ। हरकिशन गाबा हर मुमकिन कोशिश से चीफ जस्टिस के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हरकिशन गाबा उस समय संयुक्त पंजाब के बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनका जो लाहौर में घर था उसमें आजकल सेंट एडवर्ड कॉलेज चल रहा है और उस घर में संयुक्त पंजाब का कोई बड़ा अफसर, कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा रसूखदार आदमी ऐसा नहीं था जो हरकिशन गाबा के घर पर खाने पर ना आया हो या हरकिशन गाबा को नहीं जानता हो। इसके बावजूद हरकिशन गाबा इतने बड़े घर के केवल एक कमरे में रहते थे और उनके कमरे में केवल भिखारियों के चित्र लगे हुए थे। वो कोई सुख सुविधाओं का इस्तेमाल निजी हित के लिए नहीं करते थे, लेकिन उनकी आवभगत जो दूसरों के लिए थी उसमें हरकिशन गाबा कभी पीछे नहीं रहे और दोनों हाथों से दान धर्म भी करते रहे। इसी कसमकस में, इसी भागदौड़ में 13 फरवरी 1937 को हरकिशन गाबा इस दुनिया से कुछ कर गए। लेकिन करोड़ों में खेलने वाला व्यापारी, एक राजनेता अपने घर के एक कमरे में रहता हो और वहाँ पर भी केवल भिखारियों के चित्र हों तो ऐसे व्यक्ति को पीढ़ियाँ खोजती रहेंगी, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रहेगी। ऐसे ही किस्सों के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी दोस्तों। नमस्कार।